है छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ जनता जो कि कांग्रेस के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने आज अपना जन्मदिन एक बड़े ही अलग अंदाज में मनाया। जी हां, आपको बता दें कि वे आज अपने जन्मदिन को मनाने डोंगरगढ़ शहर से 3 किलोमीटर दूर पथरा टोला आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और वहां के बच्चों के बीच अपने जन्मदिन का केक काटकर मनाया। आंगनबाड़ी के कुपोषित बच्चों के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाने वाले नेता नवीन अग्रवाल हमेशा जन समस्याओं को लेकर आंदोलन रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी में कार्यरत बहनों एवं छोटे छोटे बच्चों के बीच जन्मदिन मनाकर नई मिसाल कायम की है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि उन्हें खुशी है कि इन बच्चों के बीच जन्मदिन मनाने का मौका मिल सका। साथ ही उन्हें यह जानकर दुख भी हुआ कि राजनांदगांव जिले डोंगरगढ़ ब्लॉक में लगभग 4,400 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उन्होंने बड़े ही अफसोस के साथ कहा कि इतने बड़े आंकड़े के बाद भी राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और करोड़ों रुपया इस योजना में फूंकने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी के बैनर तले कुपोषण को लेकर डोंगरगढ़ में बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि बच्चों को उनका अधिकार मिल सके। अवसर पे यहां बच्चों बीच में आए छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई भी सरकार हो, वो सरकार कुपोषण के खिलाफ बात जरूर करती है लेकिन धरातल में और जमीन स्तर में कोई भी काम नहीं करती। आज मैं जन्मदिवस है, मैं जन्मदिवस मनाने बच्चों के बीच में आया था तो यहाँ पे देखा कि यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पता करने में मालूम चला कि डोंगर ब्लॉक में 4400 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं लेकिन आज तक के कोई भी सरकार के खिलाफ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके लिए युवा जनता कांग्रेस के बैनर तले एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी हाँ, तो बड़ी में रोज भिस्ता तो अभी मैंने एकदम पद्दी तो भी दिखाते कुपोषित थे क्या मैंने? हाँ सर। तो एक कर ले पहले कहीं भर्ती वर्ती कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, 15 रोज तक से कर रहे हैं। कहाँ बोली डॉक्टर? वो दवाई दे रहा है सर, अभी चल रहा है दवाई इसका। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।